हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, जिससे आप कोई भी वीडियो एक प्रोफेशनल की तरह एडिट कर पाएंगे। बस आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। तो इस एप्लीकेशन का नाम है काइंड मास्टर। तो ये शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से काइन मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। ये आ गया हमारा काइन मास्टर ऐप, फिर आप इस पर क्लिक कीजिए। ये आपका काइन मास्टर ऐप ओपन हो चुका है, ये ऐसा ओपन होगा। ये इसकी मेन विंडो आ गई है। अब आपको कोई वो वीडियो एडिट करनी है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, बीच में एक प्लस का साइन आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उस प्लस के साइन पर क्लिक कीजिए। फिर आपसे ये रेशियो मांगेगा कि आप किस रेशियो में वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, 16:9, 9:16 और 1:1। तो 16:9 आपका लैंडस्केप के लिए है, बाकी 9:16 आपका पोर्ट्रेट के लिए है और बाकी आपका स्क्वायर के लिए है। तो हम लैंडस्केप पे करेंगे, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए ये आपकी विंडो खुल के आ गई, ये आपकी विंडो खुल के आएगी। फिर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक वीडियो इंपोर्ट करनी होगी आपके डिवाइस के अंदर से। तो आप वो वीडियो इंपोर्ट कैसे करेंगे, ऊपर एक मीडिया आपको इस सर्कल के ऊपर एक मीडिया लिखा दिखाई दे रहा होगा, आप उस मीडिया पर क्लिक कीजिए। ये क्लिक कर दिया, अब आप एक वीडियो अपने डिवाइस के अंदर से उठा सकते हैं। तो ये हमने ये वीडियो, तो ये देखिए हमने ये वीडियो यहाँ पर कर लिया अपलोड। तो देखिए ये हमारी वीडियो है जहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब आप इस पर प्ले का बटन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 4 बटन होंगे, एक होगा डिलीट रिसाइकिल बिन का, एक अपना एक सेव का, एक आपका ये है और ये आपका प्ले का बटन। तो प्ले पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये वीडियो प्ले हो जाएगी। देखिए तो ये आपकी वीडियो प्ले हो चुकी है। अब आप इसे पॉज करा के वीडियो रोक सकते हैं। तो ये है आपकी वीडियो, अब हम इसे एडिट करके दिखाते हैं आप कितने सारे ऑप्शन हैं इस ऐप के अंदर इस वीडियो को एडिट करने के लिए। सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे इस सर्किल के चारों तरफ। हमने मीडिया से वीडियो इंपोर्ट कर ली, अब हम अगले ऑप्शन पर आते हैं लेयर। तो आप लेयर पर क्लिक कीजिए, लेयर पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे मीडिया, इफेक्ट, ओवरले, टेक्स्ट एंड हैंड राइटिंग। तो हम एक एक करके सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मीडिया पर क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं उससे, आप मीडिया पर क्लिक करके एक और वीडियो उठा सकते हैं जो कि इस वीडियो के कोरेस्पोंडेंस में चलेगी। चला यही वीडियो हम फिर से अगर उठा लें तो हम इस वीडियो को देखिए यहाँ पे एक सर्किल आ चुका है। तो आप इसे थोड़ा मिनिमाइज करके इसे यहाँ साइड में लगा दीजिए इस वीडियो के साथ। ये देखिए हमने इसे मिनिमाइज किया और इस वीडियो के डाउन राइट कॉर्नर पे इसे लगा दिया। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सेट हो जाएगा, कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सेट हो चुका है। आप देखिए क्या करेगा, अब आप प्ले का प्ले क्लिक करेंगे तो दोनों वीडियो एक साथ चलेंगी। ये ऊपर अलग वीडियो चलेगी और कॉर्नर से अलग वीडियो चलेगी। अगर आपको तो हम एक और अलग वीडियो ले सकते हैं। आपका कोई वीडियो डिलीट करनी है तो आप कैसे करेंगे, जो आप इंपोर्ट कर चुके हैं मीडिया से, जैसे ये दो स्लाइड्स दिखाई दे रहे हैं आपको ऊपर नीचे, तो हम नीचे वाले पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डस्टबिन का, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे डस्टबिन का ऑप्शन है की के नीचे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी डिलीट हो चुकी है। अब देखिए आप दोबारा इसको इंपोर्ट कीजिए, लेयर पर जाइए, मीडिया पर क्लिक कीजिए और ये हम आपके डिवाइस के अंदर पहुँच चुके हैं। अब इसमें से आप कोई भी वीडियो इम्पोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हम ये वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं, ये हमने वीडियो इंपोर्ट कर ली है, ये हम इसे मिनिमाइज करके इस लोअर राइट कॉर्नर पे लगा लेते हैं और फिर हम यहाँ पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये आपकी वीडियो सेट हो चुकी है। अब आप कीजिए प्ले, तो दो वीडियो चलेंगी, वो अलग चलेगी और ये वीडियो अलग चलेगी। तो ऐसे दो वीडियो आप सेट कर सकते हैं। आपने कहीं यूट्यूब चैनल्स में देखा होगा कि जैसे एजुकेशन के चैनल हैं, ऊपर अलग वीडियो चल रही होती है और एक कॉर्नर में बंदे का फेस आ रहा होता है जो आपको पढ़ा रहा होता है या समथिंग एल्स। तो ऐसे आप दो वीडियो सेट कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डली। तो अब आप
लेयर पे दोबारा क्लिक कीजिए। हम बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन पे जो है इफेक्ट्स का, तो इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिए। ये आपकी बेसिक इफेक्ट्स हैं, इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे, ये थोड़े अलग इफेक्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे इन इफेक्ट्स से क्या होता है। आप ये बहुत वीडियोज़ में आप इनका यूज़ देखा होगा, आप समझ जाएंगे, आप अगली वीडियो ज़रूर देखिए। तो लेयर क्लिक करके आप थर्ड ऑप्शन पर आते हैं ओवरले। आप ओवरले पर क्लिक करेंगे तो ये आपके स्टिकर्स यूज़ करने का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके स्टिकर्स खुल के आ गए। अब आप इसे क्लिक कीजिए तो ये आपके स्टिकर आ चुके हैं। अब आप यस पे क्लिक कर दीजिए तो ये आप यहाँ पे सेट कर दीजिए कहीं भी आप जहाँ करना चाहें, और ये कहीं भी क्लिक कर दीजिए, ये आपका सेट हो जाएगा, ये आपका सेट हो गया। अब आप एक और चीज़ देखिए, आप अगर कोई चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक ही रखनी है, कि मतलब एक वीडियो चल रही है मुझे बस ये चीज़ इतनी देर तक ही इस वीडियो में चाहिए फिर हट जाए, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और इसे राइट से लेफ्ट की तरफ स्लाइड करके इसका टाइम ड्यूरेशन ऐसे बढ़ा कम कर सकते हैं। तो हमने ये कम कर दिया इतना, और स्टिकर का भी आप कम कर सकते हैं, ये हमने कम कर दिया इतना। तो आप देखिए, अब हम वीडियो को अगर प्ले करेंगे तो देखिए ये हमने प्ले किया, ये दो चीज़ें इतनी देर तक रही, उसके बाद ही हट गई। तो आप ऐसे करके इसका टाइम ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब लेयर क्लिक करके हम तीसरे ऑप्शन पाते हैं, चौथे ऑप्शन पाते हैं, वो है टेक्स्ट का। आप टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और आप कोई भी टेक्स्ट इस पर, ये आ गया हमारा टैग, हमने ये ओपन कर दिया। अब ये देखिए, आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और आप जहाँ चाहें इसे वहाँ लगा सकते हैं, जैसा हमने इसे यहाँ लगा दिया, और एज अकॉर्डिंग आप इसका भी टाइम पीरियड ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमने इतना कर दिया। अब देखिए हम जब इस वीडियो को प्ले करेंगे तो ये देखिए, अभी तो देर की तीन चीज़ रही, फिर ये हट गई। आप ऐसे कोई भी टैग इसमें एंटर या लगा सकते हैं, ये हमने लगा दिया। अब हम लेयर पे जाके लास्ट ऑप्शन पर आते हैं जो है हैंड राइटिंग का, क्योंकि इतना यूज़ में नहीं आता है पर कहीं कहीं आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये सब है हैंड राइटिंग का, जैसे आप पेंसिल से आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, ये हमने ड्रॉ कर दिया, या आपकी इरेजर, इरेजर से आप इसे मिटा सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने पेंसिल से यहाँ ड्रॉ कर दिया, अब देखिए यहाँ पे आप ओके दबा के आ सकते हैं। ये देखिए टाइम ड्यूरेशन हैंड राइटिंग का ये रहा, आप इसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप इसे इतना कर लीजिए और इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए आप इसको प्ले करेंगे तो ये चार चीज़ें हमने एक ही वीडियो में लगाई हैं, अभी अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आती रहेंगी और जाती रहेंगी। तो ये देखिए, ये आपकी वीडियो का लेयर पार्ट हमने कम्प्लीट कर लिया है। अब देखिए, अब अगला जो हम नीचे चलते हैं वो है वॉइस का। आप वॉइस पे क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप इस वीडियो में अलग से वॉइस लगा सकते हैं। जैसे आपने कोई वीडियो पहले शूट कर ली पर उसमें साउंड एंटर नहीं की, आप बाद में रेडी टू रिकॉर्ड करके आप साउंड एंटर कर सकते हैं उस वीडियो में। तो स्टार्ट क्लिक करेंगे तो ये साउंड रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ये हैंड राइटिंग टैग और ये स्टिकर आए हैं वैसे ये साउंड लग जाएगी। आप उसी भी ड्यूरेशन कम ज़्यादा करके सेट कर सकते हैं। तो अगले ऑप्शन पे चलते हैं, हम ऑडियो, ऑडियो का ऑप्शन भी आपका सेम ही है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में अगर कोई ऑडियो पहले से सेव्ड है, आप इस वीडियो में डालना चाहते हैं, या आपने वीडियो रिकॉर्डिंग अलग की है और ऑडियो रिकॉर्डिंग अलग की है, तो वीडियो में आप ऑडियो यहाँ से सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो भी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। अब देखिए, आपको मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जैसे हमारी ये वीडियो है, हमने इसे जिस पर आप किसी भी ये टैग पे हैंड राइटिंग किसी भी चीज़ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक चीज़ पॉप आउट होगी, ये होगी, ये आप इस वीडियो को एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है जहाँ पे सीजर बनी हुई है, ये है ट्रिम का ऑप्शन। आप वीडियो को एक जगह से ट्रिम कर सकते हैं, ये हमने ट्रिम कर दिया। तो ये पूछेगा ट्रिम टू द लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, ट्रिम टू द राइट ऑफ प्ले हेड, स्प्लिट एट प्ले हेड, स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम, और ये चार ऑप्शन है। आप पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आप जहाँ पे ये रेड लाइन आप दिखाई दे रही है, जो ये रेड लाइन बीच में है, आप जहाँ पे इसे रखेंगे आपका लेफ्ट साइड पूरी डिलीट हो जाएगी, और अगर आप राइट वाले दबाएंगे ट्रिम टू लाइट ऑफ प्ले हेड तो आपकी राइट साइड पूरी डिलीट हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे रखें और इसे दबाएँ, देखिए राइट साइड डिलीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर रखें इसे और यहाँ पर ट्रिम दबाएँ तो ऊपर वाला ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, तो ये देखिए आपकी लेफ्ट साइड डिलीट हो चुकी है। ऐसे आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं स्प्लिट करने के लिए और डिलीट करने के लिए चीज़ें। फिर आप देखिए तीसरा ऑप्शन आता है आपका साउंड कंट्रोल का, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वीडियो की ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं।
जैसे एफएक्स, साउंड बढ़ा कम कर सकते हैं, या कि राइट लेफ्ट, ऑटो वॉल्यूम, आप पिच आप बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखा जाए तो ये एक ऐप आपको एक वीडियो को प्रोफेशनली एडिट करने की पूरी पूरी फैसिलिटी देता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे फिर से तो ये नीचे आएगा क्लिप ग्राफिक्स। आप क्लिप ग्राफिक्स पे देखिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इस रेड लाइन को उसके बीच में लेके आइए और सेंटीमेंटल पे क्लिक कीजिए, तो ये वाली चीज़ आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए आप जब इसे प्ले करेंगे वीडियो को तो देखिए आपकी ये ग्राफिक्स आ चुके हैं, ये इसके कुछ चीज आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे। और मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाता हूँ, आप इस पर क्लिक करेंगे और ट्रिम पे क्लिक करेंगे मतलब सीजर पे, और इसमें आप बीच में लेके आएंगे इसको और स्प्लिट ऐड प्ले हेड पे क्लिक कीजिए। ये आपका स्प्लिट ऐड प्ले हेड हो चुका है, मतलब ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। अब देखिए इन दोनों के बीच में आपको एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा होगा, आप इस प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए और ये देखिए ये आपको ऑप्शन आया ट्रेवल एंड एक्टिविटी, टेक्स्ट ट्रांजिशन, सेंटीमेंटल, प्रेजेंटेशन। तो आप ट्रेवल एंड एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ये सेलेक्ट हो चुका है, अब आप इसे ओके कर दीजिए। अब यहाँ से जब शुरू से आप वीडियो प्ले करेंगे तो देखिए क्या होता है। ये देखिए अभी आपका ये बीच में पहली वीडियो से दूसरी वीडियो की तरफ बीच में एक ग्राफिक आया था, तो ऐसे आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं बीच में से स्प्लिट करके। इस पर क्लिक करेंगे तो और देखते हैं और क्या ऑप्शन है कि आपके नीचे होगा स्पीड, स्पीड पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, वीडियो की बढ़ाया घटा सकते हैं। देखिए नीचे स्पीड बढ़ रही है जैसे जैसे मैं इसे रोल कर रहा हूँ। आप ऑडियो म्यूट कर सकते हैं, की पिच म्यूट कर सकते हैं, ऑडियो म्यूट कर दिया आपने जैसे इसकी, या आप स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, फिर आप इस पर क्लिक कीजिए। या आप अगर वीडियो रिवर्स में चलाना चाहते हैं तो आपको ये रिवर्स में ही वीडियो चला देगा, मैं भी नहीं चलाना चाहता इसलिए मैं कैंसिल क्लिक करता हूँ। ये देखिए और आपका नीचे ऑप्शन है रोटेट एंड मिररिंग, या रोटेट और मिररिंग करेंगे तो आपकी ये वीडियो को मिरर वाइज घुमा देगा। इसको हमने सेलेक्ट किया, ये रिवर्स घुमा देगा। फिर आता है कलर फिल्टर, आप कलर फिल्टर पे जाके अपनी वीडियो के कलर फिल्टर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक करके थोड़े वार्म कर दिए, ये देखिए इस पर प्ले पर क्लिक करेंगे आप यहाँ से, देखिए इसके कलर के फिल्टर को चेंज हो चुके हैं। देखिए हमने वीडियो बीच में रिवर्स की थी, रिवर्स मारी और कलर फिल्टर को चेंज हुआ। ये आपके एडजस्टमेंट्स, अगला ऑप्शन आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं वीडियो की, कंट्रास्ट, सेचुरेशन, ये देखिए आपको सेचुरेशन चेंज हुए दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका EQ, वॉल्यूम एनवलप, रिवर्ब, वॉइस चेंजर, आपके बहुत सारे ये ऑप्शंस हैं नीचे, आप एक एक करके इन ऑप्शंस को यूज़ कर देख सकते हैं, बहुत ही ईजी हैं यूज़ करने में। आप जैसे जैसे इस ऐप को यूज़ करेंगे आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता चलता चला जाएगा, आप जैसे जैसे यूज़ करें आपको वैसे ही चीज़ के बारे में पता चलेगा, तो आप इसे यूज़ ज़रूर करें। और देखते हैं यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे क्या ऑप्शन है, ये आपके बैक ऑप्शन हो गया, ये कोई चीज़ आप कर चुके हैं तो उसे अंडू रीडू कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ आप गलत कर चुके हैं उसे आप दोबारा रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मैं रिवर्स करता अगर चला जाऊं तो हम इस वीडियो की शुरुआत पे पहुंच जाएंगे जहां से हमने इसे एडिट करना शुरू किया था। ये देखिए हम वीडियो के बिल्कुल शुरुआत पहुंच चुके हैं, हर चीज़ अंडू हो चुकी है। फिर उसके बाद नीचे को सेटिंग्स के ऑप्शन है, ये प्ले के ऑप्शन हो गए। अब मैं बताता हूँ आप इसको वीडियो को सेव कैसे कर सकते हैं। ये हमारी पूरी वीडियो हमने जो एडिट की है, अलग अलग लेयर्स लगा के, ड्यूरेशन लगा के, वॉइस लगा के, ये हमने वीडियो तैयार कर ली है। अब देखिए आप इसे सेव कर सक कैसे कर सकते हैं। ये आप देखिए इस बड़े से राउंड सर्कल के ऊपर एक ऑप्शन है, एक बॉक्स में से एक एरो बाहर आ रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए आपसे ऑप्शन मांगेगा कि आप इसे किस रिजोल्यूशन में करना चाहते हैं, तो आप जो रिजोल्यूशन ये रिकमेंड करें आप उस पर ही करें, क्योंकि किसी हिसाब से ये आपको रिकमेंड करेगा। फिर आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। देखिए ये आपका एक्सपोर्ट अब हो चुका है, अब इस वीडियो को आप प्ले करना चाहें तो प्ले कर। देखिए आपकी वीडियो में एडिट की थी, प्ले हो रही है, क्योंकि पूरी एडिटिंग वीडियो में आ चुकी है। देखिए हमारी वीडियो को हमने एडिट की थी,
ये आ चुकी है। अब आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी जो अक्सर लोगों को दिखाई देती है, वो प्रॉब्लम क्या है ये देखिए। देखिए आपको लिखा रहा है मेड विथ टाइम मास्टर, एक वाटर मार्क आ रहा है इस ऐप का, जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है वाटर मार्क क्यों आ रहा है। तो हम अगली वीडियो जो अपलोड करेंगे आपको ये वाटर मार्क हम हटाना सिखाएंगे, तो आप अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको ये वाटर मार्क से भी छुटकारा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप ट्यूनिंग।